राधे राधे दोस्तों, तो आपका फिर से स्वागत है एक न्यू ब्लॉग में और आपके अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के बज रहे हैं 5:20। तो जब तो मैं 5 बजे ही गई थी और अपना जो एक्सरसाइज है वो मैंने कर लिया है। और अभी देखिए टाइम बैक कैमरे से दिखाऊंगी क्योंकि इस कैमरे से नहीं दिखेगा। और अभी आप पी लीजिए सुबह सुबह की पहली चाय। और शिव के पापा जा चुके हैं और देखिए आपको दिखाती हूँ टाइम और बाहर का व्यू भी दिखाती हूँ कि कैसा व्यू है अभी। और अभी मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है सुबह 5:20 से। और आज डेट है आपकी 19 जुलाई और दिन है ट्यूसडे। तो चलिए अपने ब्लॉग की मैंने स्टार्टिंग तो कर ही दी है। और फ्रेंड्स, जो लोग न्यू हैं तो वो प्लीज़ 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 चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दिखाती हूँ पहले आपको टाइम, फिर पीती हूँ मैं चाय, आप भी पी लीजिए। आपसे तो मैंने पूछा ही नहीं, तो पी लीजिए। तो दोस्तों देखिए 5:20 हो रही हैं और चलिए आपको बाहर का भी व्यू दिखाती हूँ। और आप लोग मुझसे पूछते हैं कि दीदी आप कहाँ से हैं, तो दोस्तों मैं हूँ यूपी के एक बहुत छोटे से कस्बे से। तो मेरे लिए तो ये गांव ही है क्योंकि मैं एक शहर की लड़की हूँ, तो गांव में ही मेरी शादी हुई है, तो ससुराल मेरा यहाँ है यूपी के एक छोटे से गांव में, तो इतना ही बता सकती हूँ। तो बस अब मेरे सुबह का जो रूटीन है वो शुरू हो चुका है। तो यहाँ चाय बन चुकी है और झाड़ू भी लगा दी है और अब मैं भरती हूँ पानी क्योंकि लाइट की बहुत दिक्कत होती है, तो लाइट बार बार चली जाती है, इसलिए सबसे पहले काम होता है पानी भरने का। खाना बना दिया है और जो भी मेरे छोटे मोटे काम हैं घर के वो सारे हो चुके हैं, जैसे कि झाड़ू है, पानी भरना है, शिव के लिए खाना है, तो बस वो काम मेरे सारे हो चुके हैं। और अब बस जा रहा है स्कूल शिव, और कनिष्का नहीं जा रही है क्योंकि कल उसका फास्ट था, तो वो बोल रही है मम्मी चक्कर से आ रहे हैं। तो मैंने बोला चल कोई बात नहीं, आज मत जा शिव, काला चल बेटा लेट हो रहा है आज। बोतल भरी नहीं है। शिव हो गया है तैयार और बस जा रहा है स्कूल, अच्छे से क्रॉस कर लियो है। राधे कृष्ण बेटा, राधे कृष्ण। नहीं उधर से जाना पड़ेगा, पापा लगा के गए हैं बाहर से। और बस शिव निकल रहा है और उसने दादी के पैर भी छू लिए हैं और मेरे भी पैर छू लिए हैं। तो अब मुझे ज़्यादा टेंशन रहती है क्योंकि शिव अकेला जाता है, पहले कनिष्का उसके साथ जाती थी। तो फ्रेंड्स, मेरा जो काम है घर का वो सारा हो चुका है, अब बनाना है मुझे खाना और मैं तैयार भी हो चुकी हूँ और पहले करूँगी पूजा। तो पहले देख लीजिए ठाकुर जी की ड्रेस, तो ये वही वाली ड्रेस है जो मैंने बनाई थी, तो अलग अलग डेली पहन रहे हैं अभी तो डेली, और देखती हूँ और बनाती हूँ। और मैंने भी आज वो साड़ी पहनी है जो मैंने आपको कल दिखाई थी ना, जो मैंने तैयार की है उस पर फॉल पिको किया है। तो देखिए बताइएगा कैसी लग रही है, आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ मैं, तो ज़रूर बताइएगा कैसी लग रही है। तो दोस्तों आप देख लीजिए साड़ी और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लग रही है। तो बस जो मेरी पूजा है वो मेरी हो चुकी है, बस मैं अब ऊपर आई हूँ जल देने के लिए। तो सूर्य भगवान को मैंने जल दे दिया है, तुलसी मैया को नहीं दिया है। और तुलसी मैया को क्यों नहीं दिया है, क्योंकि बच्चे रोज़ डेली पूजा करते हैं तो उन्हें मतलब जल चढ़ाना था, तो उन्होंने चढ़ा दिया है। तो देखिए तुलसी मैया भर चुकी हैं और मेरी तुलसी मैया सूख भी गई हैं, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो बस यहाँ मैंने परिक्रमा है जो अपनी वो कर ली है, तो बस अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो किचन में शिव के पापा कुछ सामान लेके आए थे, तो वो मैं देख रही थी कि क्या क्या सामान लेके आए हैं। तो बस ये कुछ सामान था जैसे सर्फ, चीनी और शैम्पू, पेस्ट वगैरह, ये सब कुछ सामान था। तो बस मैंने निकाल के रख दिया है और आपसे शेयर करती हूँ आज कढ़ी की रेसिपी।
और कढ़ी के लिए मैंने इसमें सरसों का तेल डाल लिया है और उसमें हींग जीरे का तड़का लगा दिया है और बस फिर डाल दिए हैं काट कर आलू, क्योंकि मैं कढ़ी आलू की बनाने वाली हूँ, आलू वाली कढ़ी। तो बस इसमें ये आलू मैंने छौंक दिए हैं और इसे रख दिया है आलूओं को सॉफ्ट होने के लिए। तो बस यहाँ जो मेरी छाछ है वो मैंने ले ली है और इसमें मैं डाल देती हूँ बेसन। तो मैंने जग लिया है क्योंकि इस तरीके के बर्तन में अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो बस मैंने इसमें डाल दी है हल्दी और हल्दी को डालने के बाद में इसे मैं फेंट लूँगी। तो रई से आप फेंटिएगा बेसन तो बहुत जल्दी फिट जाता है। और बस मेरा ये जो बेसन है मट्ठे में पूरा मिक्स हो चुका है और फिर मैं देखती हूँ कि आलू हुए हैं या नहीं। तो बस ये आलू जैसे ही हो जाते हैं ना, तो ज़्यादा मतलब उबालना भी नहीं है ना, थोड़ा सा इसमें कच्चापन हो तभी हमें इसमें जो हमारी छाछ है वो डाल देनी है बेसन मिली हुई। तो बस मैं यहाँ इसे मिक्स कर देती हूँ और उधर मेरे चावलों के लिए पानी रखा हुआ है तो मैं इसी तरीके से चावल बनाती हूँ खुले। तो बस यहाँ जो मेरा ये छाछ है वो मैंने इसमें डाल दिया है और इसे हमें चलाते रहना है, नहीं तो ये फट जाएगी। तो बस यहाँ जो ये जग है उसे धो के भी मैंने इसमें पानी डाल दिया है और इसे मैं चलाती रहूँगी। और कहते हैं कि सावन में कढ़ी खाने से गधे बनते हैं, तो देखते हैं भाई गधे बनेंगे क्या बनेंगे, तो ये तो बात की बात है। लेकिन ऐसा बोलते हैं जब खाली कढ़ी बनाओ ना, जिस मतलब कढ़ी में कुछ भी डालो नहीं तो बनते हैं। तो बस मैंने बना ली कढ़ी तो छौंक दी है और चावल भी मैंने बीन लिए हैं और मैं डाल देती हूँ इसमें चावल। तो बस यहाँ मेरे जो चावल हैं वो भी बन जाएंगे। तो कल कनिष्का का व्रत था तो कनिष्का का मन था कढ़ी चावल खाने का, तो उसकी फरमाइश पर ही बन रहे हैं। तो बस एक पे मैंने चावल चढ़ा दिए हैं और एक पे मैंने कढ़ी चढ़ा दिए। तो इस तरीके से काम करने से जल्दी भी हो जाता है क्योंकि दोनों चूल्हे चलेंगे तो एक साथ काम हो जाएगा। और इसके साथ में ये दोनों काम हो रहे हैं ना, इसके साथ में हम और भी काम कर सकते हैं। जैसे कि अब मेरे जो बर्तन इकट्ठे हैं उसमें उन बर्तनों को मैं साफ़ कर लूँगी। तो बस इसमें मैंने नमक मिर्च डाल दिया है, तो देखिए दिखाती हूँ। तो ये इसमें उबाल आने लगा है तो अब मैं इसे छोड़ दूंगी, तो ये उबलती रहेगी अच्छे से धीरे धीरे। और इतने में मैं माँज लूँगी बर्तन है जो मेरे। और फ्रेंड्स कल वीडियो में आप लोगों ने कमेंट किया कि दीदी आपका व्रत है, तो मेरा व्रत नहीं है, तो मैंने व्रत नहीं रखा था, केवल कनिष्का ने ही व्रत रखा था। तो फ्रेंड्स आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताया कीजिए कि मैं अपने वीडियोस में क्या गलती करती हूँ, क्या मैं नया कर सकती हूँ। और आपको मुझसे कुछ पूछना हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर मुझे पूछ सकते हैं, मेरी गलतियों को बता सकते हैं, जिससे कि मैं आपके लिए और भी बेहतर वीडियो बना सकूँ। तो बस मेरी जो कढ़ी है वो बन चुकी है। तो यहाँ देखिए ये कैसे बनती है, इसका मतलब बताऊँ, ये साइड में इसके पर पपड़ी पड़ जाती है तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारी कढ़ी बन चुकी है। तो बस चावल में थोड़ी सी कसर है तो बस चावल भी बनने वाले हैं, तो उसके लिए मैंने रख दी है जाली। तो बस अब मैं ये चावल हैं इन्हें फंसा दूंगी। तो ये जाली है जो मैं नीचे रख देती हूँ और इसमें कर देती हूँ ये चावल। तो मेरे चावल बहुत अच्छे से पक चुके हैं, तो देखिए ये अलग अलग हो जाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं ना हम खुले, तो एक एक चावल हो जाता है। तो देखिए ये मेरी है कढ़ी, कढ़ी बन चुकी है और उधर बन चुके हैं मेरे चावल। तो बस अब मुझे बनानी है रोटियाँ, तो बस थोड़ी सी बनाऊंगी रोटियाँ क्योंकि बच्चे तो कढ़ी चावल के आगे रोटियाँ खाएंगे नहीं, बस हम जो बड़े हैं वही खाएंगे। तो दो दो रोटियाँ सभी के लिए बना लूँगी। तो बस यहाँ मेरी तैयारी हो रही है रोटियाँ बनाने की। और जो मैं मतलब रोटियाँ बना रही हूँ तो सबसे पहले मैं बनाऊँगी दो गाय के लिए रोटियाँ। तो पहले तो मैं एक ही बनाती थी लेकिन जो मेरी ननद हैं उन्होंने बताया कि दो रोटियाँ बनानी चाहिए गाय के लिए, तो मैं तब से दो रोटियाँ ही बनाती हूँ गाय के लिए। तो बस गाय के लिए बना दी हैं मैंने और भूख के लिए बना ली हैं। और यहाँ मैं निकाल रही हूँ कढ़ी और फिर निकालूंगी चावल क्योंकि अब सबसे पहले लगाऊंगी मैं भोग। तो यहाँ देखिए ये चावल भी मैं निकाल लेती हूँ और कुछ मीठा भी होना चाहिए। तो काना को दूध भात पसंद है तो मैंने इस दूध में चीनी डाल ली है और इसमें ये जो चावल हैं वो डाल लिए हैं और साइड में थोड़ी सी चीनी रख दी है। और बस अब इसे रख दूंगी मैं थोड़ा ठंडा होने के लिए, तो ये ठंडा हो चुका था, उसके बाद में मैं लगा देती हूँ भोग। तो कान्हा जी खा लेंगे तो उसके बाद में आप भी खाइएगा, थाली गरम गरम तैयार है। और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना कान्हा जी ग्रीन ग्रीन ड्रेस में, तो मैंने भी पहनी है और उनने भी पहनी है, आज हम दोनों ने ग्रीन ग्रीन ड्रेस पहनी है।
और मैंने शिव के पापा को दे दिया था खाना। तो बस यहाँ जो किचन है मेरी अभी फैली हुई है, तो बस इसे मैं समेट लूँगी, यानी कि बर्तन साफ़ कर लूँगी और क्लीन कर दूँगी। तो उसे क्लीन करने के बाद मैं जो मेरे ये थोड़े से कपड़े थे, यानी कि शिव के पापा के अंडरवियर बनियान थे, तो वो बस मुझे धोने थे, तो उन्हें मैं यहाँ धोकर और बस ऊपर सुखा के मतलब फ्री हो जाऊँगी। जो मेरा घर का काम है वो सारा फ्री हो जाएगा। और मैं खाना अभी नहीं खा रही हूँ क्योंकि शिव आएगा उसके साथ ही खाऊँगी मैं, और कनिष्का तो घर ही है, क्योंकि मन नहीं कर रहा था मेरा कि शिव आ जाएगा तभी खाऊँगी इसके साथ, तो बस शिव आएगा तभी खाऊँगी मैं खाना। तो बस यहाँ मेरे जो कपड़े हैं और जो मतलब और भी कपड़े होते हैं वो पहले ही मैंने नहाने से पहले धो के डाल दिए थे, तो बस यही थे, तो ये भी मैंने अब धो के ऊपर सुखाया होंगी। और फ्रेंड्स, आप लोग अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। तो मिलती हूँ आपसे अभी। तो यहाँ कपड़े धोने के बाद मैंने सुखा दिए हैं और अब आई हूँ मैं, तो बज रहे हैं करेक्ट 12, तो अभी मैं खाना नहीं खा रही हूँ, शिव आ जाएगा तभी खाऊंगी। तो बस यहाँ पी रही हूँ मैं ठंडा ठंडा पानी, क्योंकि बहुत गर्मी है और हालत ख़राब है। तो देखिए शिव भी आ चुका है, तो बस अब खाएंगे हम खाना। और फ्रेंड्स, शिव आ चुका है और मैंने भी नहीं खाया था खाना, तो अब मैं खाऊँगी शिव के साथ। तो बस आज बनाया तो मैंने कढ़ी चावल है, तो मैं थाली लगा लेती हूँ। और फ्रेंड्स, अपने वीडियो का मैं यहीं एंड करती हूँ। और मैंने अभी आपसे वीडियो एक अपलोड किया है 1 बजे, क्योंकि अभी शिव आया है तो 1 बजे आता है शिव, तो वो वीडियो तो आपने देख ली होगी, अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे देखिए। और अब मैं वीडियो का यहीं एंड करती हूँ, तो प्लीज़ 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 जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सब कुछ किया करें। तो चलिए फिर मिलूंगी एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।